कोटा शहर का दूसरा सफल किडनी ट्रांसप्लांट नए अस्पताल की किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में किया गया। पत्नी साहिबा ने अपने पति समीर को किडनी डोनेट की है। दंपति कोटा के छावनी के रहने वाले हैं और पिछले 7-8 माह से नवीन अस्पताल के डॉक्टर विकास खंडेलिया के पास इनका इलाज चल रहा था। पहले किडनी ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन के बाद दंपति ने भी ट्रांसप्लांट की इच्छा जाहिर की। इस पर पति और पत्नी की आवश्यक जांच करवाई गई और शनिवार को डॉक्टर नीलेश जैन के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया। जैन के अनुसार अभी तक माँ और बेटे में किडनी डोनेशन के बारे में सुना था। पति और पत्नी के बीच में भी किडनी डोनेशन संभव है, जो तारीफ के काबिल है। मरीज और डोनर दोनों की तबीयत सही है और इन दोनों सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भविष्य में और किडनी ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। मैंने हमारी जो सर्जन है उनसे पूछा था किस तरह से, तो सब अच्छा चल रहा है उसका, तो ये दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है और पूरी टीम को बधाई देता हूँ और लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि विश्वास करें हम टीम के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएं और विश्वास करें इस अस्पताल के ऊपर कि यहाँ की जो टीम है बहुत अच्छी टीम है। डॉक्टर खंडेलिया ने मेनली इनका ट्रीटमेंट किया था और वो वहाँ पर बराबर अंडर डायलिसिस थे पिछले 7-8 महीने से, और उसके बाद में जो पहला ट्रांसप्लांट हुआ था तभी से इनकी भी वो थी कि हम भी यहीं पर ट्रांसप्लांट कराएंगे, और उसके बाद में जैसे ही पहला ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ तो तुरंत इनका भी वर्कअप किया गया और आज ये भी ट्रांसप्लांट हमने कंप्लीट